पसंद आने पर स्वाइप राइट और नेक्स्ट ऑप्शन के लिए स्वाइप लेफ्ट। यही है डेटिंग ऐप का प्रोसेस। सारे डेटिंग ऐप हमें हमारे सच्चे प्यार से मिलवाने का दावा करते हैं। कुछ लकी लोगों के साथ ऐसा हुआ भी है, लेकिन असल में डेटिंग ऐप नहीं चाहते कि आपको आपका सच्चा प्यार मिले। ऐसा क्यों है, आज इसी पर बात। अमेरिका के 30% एडल्ट्स का कहना है कि उन्होंने किसी न किसी डेटिंग ऐप का इस्तेमाल किया है, खासकर 18 से 30 की उम्र वालों ने। प्यार ढूंढने की राह में टिंडर, बम्बल और हिंज शहरी लोगों के लिए जरूरी हो गए हैं। लेकिन ये जानने से आपको मदद मिलेगी कि चूंकि ये कंपनियां भी फायदा कमाने के लिए ही ये काम करती हैं, इसलिए इनका पूरा ध्यान इस पर होता है कि आप ऐप का इस्तेमाल करते ही जाएं, स्वाइप राइट स्वाइप लेफ्ट। और प्यार मिलने की आस में अपने बारे में और बताएं और चैटिंग करें, तभी तो कंपनियां पैसे कमाएंगी। क्योंकि अगर ऐप इस्तेमाल करने से लोगों को उनका सच्चा प्यार मिलने लगा तो इनके यूजर्स ही कम हो जाएंगे। हिंज ऐप को ले, ये प्रचार करती है कि इसे बनाया ही डिलीट करने के लिए गया है, यानी ऐप से अपना पार्टनर ढूंढिए और फिर इसे डिलीट कर दीजिए। लेकिन क्या सब कुछ इतना सीधा साधा है? असल में कंपनियां कभी नहीं चाहती कि उनके यूजर्स ऐप को डिलीट कर दें। देखिए इनका असली बिजनेस मॉडल है क्या, डेटा का सौदा। प्यार मोहब्बत नितांत निजी मामला है, जब इसमें ऐप की मदद ली जाएगी तो जाहिर है कि डेटिंग ऐप भी आपसे पर्सनल डेटा मांगेंगे। हाल ही में क्वीयर डेटिंग ऐप ग्राइंडर पर आरोप लगे कि उसने अपने यूजर्स का पर्सनल डेटा और कंपनियों को बेच दिया। इसमें ये जानकारी भी शामिल है कि कोई यूजर HIV पॉजिटिव है या नहीं। और ये पहली बार नहीं है जब ग्राइंडर पर ऐसे आरोप लगे हों। वॉशिंगटन पोस्ट ने पिछले साल लिखा था कि अमेरिकी कैथोलिक ग्रुप ने ग्राइंडर से डेटा खरीदा था जिससे वो अपने सदस्यों की निगरानी कर सके। मोजिला फाउंडेशन ने जिन 25 ऐप्स को टेस्ट किया उनमें से 22 ने लोगों की निजी जानकारी दूसरी कंपनियों से साझा की थी। इनमें टिंडर, बम्बल और हिंज जैसे सारे पॉपुलर ऐप शामिल मिले। इतना सब कुछ जानते हुए भी लोग यहाँ अपनी जानकारी क्यों दे देते हैं? क्योंकि लत लगाने वाले होते हैं डेटिंग ऐप। टिंडर, हिंज और कई दूसरे ऐप के पीछे एक ही कंपनी है, मैच ग्रुप। इसी साल वैलेंटाइंस डे पर कई यूजर्स ने मिलकर मैच ग्रुप पर एक मुकदमा दायर किया। आरोप लगाया कि इन ऐप्स को ऐसे बनाया गया है जिसकी लत लग जाए। इसके पीछे का मनोविज्ञान समझते हैं। इन ऐप्स पर लाइक मिलने से, किसी संभावित रोमांटिक पार्टनर के साथ मैच होने से या मैसेज आने पर दिमाग में डोपामीन रिलीज होता है। ये एक अच्छा महसूस कराने वाला हार्मोन है। इसलिए ऐप को इस्तेमाल करने वाले हमेशा इस उम्मीद में रहते हैं कि शायद अब कोई लाइक या मैच मिल जाए या कोई मैसेज आ जाए जिससे उन्हें फिर से अच्छा महसूस हो। रोज देर तक ऐप पर रहने से ये उम्मीद भी लगी होती है कि क्या पता वहां सच्चा प्यार मिल जाए। ये ऐप पैसे लेकर प्रीमियम फीचर्स भी देते हैं जिससे आप ऐप पर ज्यादा दिखाई देते हैं और बेहतर मैच मिलने की संभावना बढ़ जाती है। अमेरिका में तो डेटिंग ऐप यूजर्स में से करीब 35% लोगों ने इस पर पैसे खर्चे हैं। लेकिन क्या ये ऐप इस लायक हैं कि हम उनको प्रीमियम फीचर्स के लिए पैसे दें, इनकी लत के शिकार हो जाएं और अपनी निजी जानकारियों को बिक जाने दें? क्या सचमुच काम के हैं डेटिंग ऐप? दरअसल रोमांटिक रिश्तों को विज्ञान आज तक ठीक से समझ नहीं पाया है, क्योंकि इससे जुड़ा भरोसेमंद डेटा मिलना बहुत मुश्किल है। हाल ही में अमेरिका में हुई एक स्टडी से पता चला कि जो लोग अपने पार्टनर से ऑनलाइन मिले वो अपनी शादी से कम खुश हैं, जबकि जो लोग अपने पार्टनर से ऑफलाइन मिले वो उनकी तुलना में अपनी शादी से थोड़े ज्यादा खुश हैं। हो सकता है कि ऑनलाइन डेटिंग के अलावा भी इसकी कोई वजह रही हो। डेटिंग ऐप ओके क्यूपिड ने 2014 में एक एक्सपेरिमेंट किया जिसके लिए उसकी खूब बुराई भी हुई। उसने जानबूझकर ऐसे लोगों को आपस में मैच करा दिया जिनका असल में कोई मैच नहीं था। कंपनी देखना चाहती थी कि वो लोग भी क्या उतनी ही बातें करेंगे जितनी अच्छे मैच वाले यूजर्स करते हैं, और ऐसा ही हुआ। एक्सपेरिमेंट पर तो क्या ही कहें, लेकिन एथिक्स है या नहीं, उन मासूम यूजर्स का क्या? इसलिए भले ही ई हार्मनी जैसी वेबसाइट दावा करे कि वहां लोगों को लंबे चलने वाले रिश्ते मिलेंगे क्योंकि उनके पास एक अनोखा कंपैटिबिलिटी मैचिंग सिस्टम है, हमें पूछना चाहिए कि ऐसा कौन सा मैजिक फॉर्मूला उनके हाथ लग गया है। डेटिंग ऐप्स को अपने एल्गोरिदम और लोगों की जानकारियों के इस्तेमाल को लेकर ज्यादा पारदर्शी होना होगा, और अपने आप तो ऐसा होने से रहा, इसलिए इसके लिए साफ नियमों की जरूरत पड़ेगी। आपको डेटिंग ऐप कितने काम के लगते हैं कमेंट कीजिएगा।